विधानसभा क्षेत्र जियाकुड़ा डिवीजन में सफाई कर्मचारी जीएचएमसी नगर निगम में काम कर रहे महिलाओं को प्रतिदिन टिफिन वितरित किया गया और वाल्मीकि नगर पुलिस कॉलोनी में सुलभ शौचालय में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को तेलंगाना अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता एवं वाल्मीकि कर्मठ कार्यकर्ता सतीश बिरला के द्वारा 9 गरीब परिवारों को राशन सामग्री वितरित की गई, जिसमें जियागुड़ा के पूर्व पार्षद मुनिंद्र, भाजपा नेता ठाकुर रघुनंदन सिंह, मेघनाथ वर्मा, आर्य कटिंग के कर्मठ कार्यकर्ता विकसपति कमल, सतपाल बिरला, यश बिरला आदि लोगों ने इस कार्य में अपना योगदान दिया। नव भारत समाचार से अहमद जबारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता एवं वाल्मीकि समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता बंधुओं, आप जैसे आप सभी को पता है, पिछले कई दिनों से अनदेखा लाइलाज कोरोना वायरस की चपेट में आज भारत देश ही नहीं पूरा विश्व इसकी चपेट में आ चुका है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक दिन का कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू का जो ऐलान किया, उसके बाद 21 दिनों का लॉकडाउन का जो उन्होंने मीडिया के माध्यम से जनता से आग्रह किया, आज तक जनता उस रिक्वेस्ट पर, उस अनुरोध पर जनता खरी उतरी है। कोरोना वायरस या किसी धर्म जाति व्यक्ति को देखकर नहीं आएगा, यह वायरस से अगर हमको बचना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर हमको इसका पालन करना होगा, इस चैन को तोड़ना होगा। आज जियागुड़ा वाल्मीकि नगर पुलिस कॉलोनी में वाल्मीकि समाज की महिलाओं को राशन की सामग्री वितरित की गई। ये वो महिलाएं हैं जो सुलभ शौचालयों में केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार में ठेकेदारी में शौचालयों को साफ करने का कार्य करती है। फिर यह महिलाएं, मैं भी इसी जाति से आता हूं और हमने यहां की लगभग 7-8 महिलाओं को 10-12 दिन उनको उनके परिवार का लालन पालन हो सके, यह सोचकर हमने उनको राशन की सामग्री वितरित की गई, जिसमें जियागुड़ा के एक्स कारपोरेटर प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदिराला मुनिंदर जी, ठाकुर रघुनंदन सिंह जी जो राजपूत समाज के अध्यक्ष भी है और भाजपा के कर्मठ नेता हैं, इन सभी कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा अपने निजी खर्चे पर वाल्मीकि समाज के महिलाओं को राशन वितरित की गया। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जब तक लॉकडाउन रहेगा आप अपने अपने घरों में रहें, हर आधे घंटे अपने हाथ 20 सेकंड के लिए साबुन से अच्छे धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान लगाएं और लॉकडाउन में अपना सहयोग करें, क्योंकि सरकार पर और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आपके हित के लिए कार्य कर रही है। कृपा करके आप उसे सरकारों को, केंद्रीय प्रदेश सरकारों को अपना सहयोग करें। और इतना कहते हुए मैं आपसे विदाई लेता हूं, फिर एक बार आपके सम्मुख आऊँगा। कल वाल्मीकि नगर संजय नगर में वाल्मीकि समाज के गरीब परिवारों को राशन की सामग्री वितरित की जाएगी और हम वाल्मीकि समाज के जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर उनको राशन वितरित कर रहे हैं। मैं इतना कहते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।